मम्मी डैडी आप कभी आएंगे? आज उन्हें दफ्तर से आने में देर होगी। क्यों? आज बेटी उन्हें ओवर टाइम करना है। ये ओवर टाइम क्या होता है? चिंटू देखो, अगर दफ्तर में उनका काम पूरा नहीं हुआ तो वहीं रुककर उन्हें काम पूरा करना पड़ता है, समझे? देखो, अगर तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कूल टीचर स्कूल खत्म होने के बाद भी तुम्हें क्लास में रुका कर तुमसे होमवर्क करवा लेती है कि नहीं? वैसे ही डैडी को करना पड़ता है। लेकिन डैडी घर पर होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट करते? उन्हें घर पर नींद आती है इसलिए। बस अब जाओ, तुम तुम्हारा होमवर्क कर लो। हाँ करता हूँ। लेकिन मम्मी, मेरे जो दिल बुरा अंकल है ना। ए, दिल बुरा नहीं, दिल रुबा अंकल। हाँ वही तो, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं। क्या? के तुम्हारी मम्मी कैसी है, क्या कह रही है। अच्छा? हाँ, और कभी कभी डैडी भी मुझसे पूछते हैं के प्रेमा आंटी कैसी है, क्या कह रही है। अच्छा? हाँ। अच्छा डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने राजू से। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी आरजू है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और अगर आप अभी भी ना कहेंगे तो मैं आपके कदमों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। क्या हुआ? प्रेमा जी, वैसे आपने सीन बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही मेकअप जल्दी आओ। लेकिन क्या है कि वो वाली बात नहीं आई। कौन सी वाली? शीशा दो। वो जो बात होती है ना, वो जो गुगु समझाओ ना, कौन सी वाली बात? वो मैं सर क्या समझाऊं? अरे वो क्या वो कर रहे हैं आप? क्या यानी कि प्रेमा जी, जो वो पुराने जमाने में आ रही थी ना बात, वो बात, वो बात। ओके, एक और चेक कीजिए। यस, चलो जल्दी हटो। कैमरा पोजीशन, जल्दी कीजिए, मूड आ गया। वो वाली बात प्रेमा जी, वो वाली बात, पुराने जमाने वाली बात। हां सेट, ओके, शुड वी गो फॉर टेक? वेरी गुड, स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने राजू से। ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और अगर आप अब भी ना कहेंगे तो मैं आपके कदमों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। वाह, क्या सीन है। कट। जी क्यों बोला? आई से आउट आउट आउट। सीन का सत्यानाश कर दिया। जी प्रेमा जी, सॉरी मुझसे रहा नहीं गया, सॉरी। प्रेमा जी, ये हजरत कौन है? ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोसी हैं। हेलो हेलो, क्या सीन था डायरेक्टर साहब? वही हम रीटेक करने जा रहे हैं। ओह अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। टोटो टोटो, ये मेरे पर्सनल गेस्ट हैं, थोड़ा ख्याल रख लो इनका प्लीज। और आपकी बार रीटेक करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ओके टाटा, कुर्सी दो इनको। नहीं सर, ये है ना, मैं यहाँ बैठता हूँ। कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम। गोगो, यस सर, कम विद मी। यस सर। गोगो, यस सर, ये फिल्म का डायरेक्टर कौन है? आप हैं सर। और वो कुर्सी किसकी है? आपकी है सर। मैं कहाँ हूँ? आप मेरे साथ खड़े हैं सर। और वो कुर्सी पे कौन है? सर वो बैठा है। तो फिर उसको जाके पकाओ, निकालो उसको वहां से। सर ये कैसे हो सकता है? आप तो जानते हैं कि वो प्रेमा जी के पर्सनल गेस्ट हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना स्टार लोगों को पालने का। स्टार्स शाइन इन द स्काई। मम्मी, डैडी कभी आएंगे? आएंगे बेटा, तुम लिखो, स्पेलिंग बराबर करो। डैडी आ गए। ओनो दिलरुबा। हेलो बेटे चिंटू, कैसे हो? कैसे हो बेटा? होमवर्क कर
बेटा? होमवर्क? समझा नहीं। चुप, जाओ जाकर अंदर पढ़ाई करो। नहीं। जाओ, चलो ये ले लो। बड़ा नॉटी बॉय है। मैं आपको ये चाबी देने के लिए आया था। अच्छा अच्छा। वो क्या है कि कुछ देर के लिए मैं जरा बाहर जा रहा था। क्यों, प्रेमा जी नहीं है? नहीं, उसकी तो आज शूटिंग है ना। दिलरुबा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। लेकिन जरा प्राइवेट है। मैं दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं, 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 प्राइवेट नहीं है। अच्छा, मगर आप नाराज तो नहीं होंगे? आपकी बात सुनकर भला कभी कोई नाराज हो सकता है? वो आपकी पत्नी प्रेमाशालिनी जी, वो फिल्मों में नाटक में काम करती है ना जी, तो वो कभी कभी क्या रोज ही लेट आती है घर पे जी। तो आपको उन पर कभी कहिए क्या मैंने आपको उन पर कभी शक नहीं होता? शक? हाँ शक क्या हुआ? अभिनेत्री के पति की डिक्शनरी में शक नाम का शब्द नहीं होता कोकिची। लेकिन वो फिल्म की शूटिंग के लिए जब बॉम्बे के बाहर आउटडोर आउटडोर जाती है तब तो मैं इंडोर में घुस जाता हूँ। फिर भी कभी कभी तो आपके दिल में ये ख्याल आता होगा ना कि वो वहाँ अकेले क्या कर रही है? उसे भी कैसे मालूम पड़ेगा क्या? कि यहाँ अकेले मैं क्या कर रहा हूँ? दिलरुबा जी जी, वो फिल्मों में नहीं वैसे सीन्स होते हैं वैसे? डिशुम डिशुम? नहीं नहीं, डिशुम डिशुम नहीं, वो ये लव सीन। तो ऐसे सब जब सीन्स करते हैं प्रेमाशालिनी जी, तो वो आपको यानी आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं, वहाँ पर तो 25 लोग उनको देखते रहते हैं। सिर्फ दोनों ही नहीं रहते? नहीं, वो कैमरामैन तो वो क्लोजअप में उनको फॉलो करता रहता है। कितने लोग देखते रहते हैं वहाँ, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए। ओके, स्टैंड फॉर्म कैमरा टेक डॉडी एक्शन। डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने केकू से। केकू से नहीं, केकू से नहीं प्रेमा जी, राजू से, राजू से। वो जरा स्क्रिप्ट में देखो, केकू नाम का कोई कैरेक्टर है क्या? राजू है सर, राजू। राजू? हाँ राजू से। I'm sorry, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब टेक ठीक होगा। ओफो प्रेमा जी, ये 30वां टेक था, 30वां। आई नो, मैंने कहा ना सॉरी, फिर लेते हैं टेक। प्रेमा जी, पसीना 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 पोंछ लीजिए। मेकअप पसीना तुम बता नहीं रहे हो। आई एम रेडी। साइलेंस गोगो, आई वांट साइलेंस ऑन सेट। इस तरफ से निकलिए तो अपना मुंह जरा इस तरफ रखिएगा प्लीज। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? क्यों बीच में बोल रहे हो? यहाँ पर डायरेक्टर कौन है? लेकिन सर आपका डायरेक्शन गलत है सर। आपको कैसे पता चला? उसका मुंह इस तरफ होना चाहिए। अरे बाबा, कैमरा उस तरफ है तो उसका मुंह इस तरफ क्यों होगा? लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा है। पानी, कोई मुझे सेट पे पानी पिलाएगा? प्रेमा जी, लगता है मुझे आज पैकअप जल्दी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप टेक कीजिए ना, आई एम सेइंग आई एम रेडी। केकु जी, आप जरा प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये केकु जी है। केकु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेहरबानी करके सेट छोड़कर चले जाइए। नहीं सर, आप टेक कीजिए सर, मैं चुप रहूंगा, प्लीज आप टेक कीजिए सर, प्लीज। साइलेंस, आई वांट साइलेंस ऑन सेट। कम ऑन। यस सर। स्टार्ट सॉन्ग, टेक 31, एक्शन। डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने राजू से। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और अगर आप भी ना कहेंगे तो मैं आपके कदमों में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। अब कट भी बोलो। कट इट। ओके। मेरे बारे में कुछ और पूछना है आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछना। आपको जाना है ना? मुझे भगाना चाहती है ना आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ, ऐसी ही बात है। मैंने मैंने आपके सवालों के उल्टे जवाब दिए, इसलिए डिस्टर्ब हो गई हैं आप। क्या मतलब?
मतलब ये कि अगर मैं आपसे ये कहता कि मुझे प्रेमा की वफा पर शक है, या फिर जब वो किसी गैर हीरो के, मतलब मेरे अलावा किसी और की बाहों में झूलती है तो मेरा दिल जल उठता है, तब खुशी होती ना आपको? नहीं नहीं, उल्टा मुझे आपसे हमदर्दी होती। हमदर्दी? हाँ, ये तो और भी अच्छा है। मुझे आपकी हमदर्दी ही चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रेमा से शादी करके खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी क्या हुआ? क्या हुआ? आप जैसी पत्नी होती जो मेरी राह देखती, मुझसे प्यार करती। देखिए ना, आपका कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन प्रेमा को तो बच्चे पैदा करने की फुर्सत ही नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ मेरे राजा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लेकिन क्या मेरे स्वामी? लेकिन हमारी तो शादी भी नहीं हुई। शादी में कितना वक्त लगता है? वो देखो, सामने शिव जी का मंदिर है, मंदिर में पुजारी है। इसी वक्त भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों विवाह कर लेते हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आखिर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मेरी राजकुमारी, मगर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मजबूर हूँ। आखिर ये क्या मजबूरी है? मैं शादी शुदा हूँ, मैं एक बच्चे का बाप हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ शादी नहीं कर सकता। मैं एक बच्चे का बाप हूँ। मैं शूटिंग देख रहा था। सॉरी प्रेमा जी। सर, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मुझे देखकर अक्सर लोगों पर यही असर होता है। आई एम यूज्ड टू इट। पता है मैं आपके बारे में कितना सोचता रहता हूँ। परसों मैंने चिंटू से पूछा कि चिंटू बेटे मम्मी क्या कर रही है, तो पता है क्या बोलता है? क्या? बोलता है कि पापा का सर दबा रही है। उसको तो जरा भी अकल नहीं है। हाँ, लेकिन सारा सीन तो मेरे सामने फिल्म की तरह आ ही गया ना। फिल्म की तरह? हाँ, मतलब आपकी गोद में उनका सर। गोद में नहीं, तकिए पे था। कहीं भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, और सर के ऊपर आपकी नाजुक नाजुक उंगलियां। नाजुक उंगलियां मेरी? बर्तन धो धोकर सख्त हो गई है। देखिए 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 देखिए, अपने नसीब में उंगलियां भी नहीं। पता है प्रेमा कभी मेरा सर नहीं दबाती, कभी नहीं दबाती। मैं भी कहां इनका सर रोज रोज दबाती हूँ। कभी तो दबाती होंगी। हाँ, अक्सर तनखा के दिन। कितने लक्की हैं केको जी, कितना अच्छा लगता होगा उन्हें जब आपकी उंगलियां उनके कानों में, गालों में, बालों में तितलियों की तरह मंडराती होंगी। पता है प्रेमा ने खाली एक बार मेरे गाल का स्पर्श किया था बस। वो कब? जब मेरे गाल पे मच्छर बैठा था, वो भी ऐसे। आप कुछ बड़ा चढ़ा कर कह रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात कहूं? अभी कुछ बाकी है? आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। आपको कहीं जाना है ना? हाँ, ये चॉकलेट लाया था मैं चिंटू के लिए। हमेशा लाने की क्या जरूरत है? कमाल करती हैं आप बहन जी। कोकी जी, कमाल करती हैं आप। चिंटू सर आपका ही नहीं, मेरा भी तो बच्चा है। क्या? अरे मतलब मेरे बच्चा जैसा ही तो है। अच्छा तो मैं अब चलूं? चलने से पहले एक शेर सुनाऊं? प्रशाद मुकर्रर, ऊपर वाले एक बार जरा जे तो बता, क्या मेरी खता थी जो तूने उसको बनाया पत्नी पड़ोसी की? अच्छा है ना, मेरा है। तुम
कहीं बाहर जा रहा था। बाहर जा रहा था? सॉरी, सोचा कि चाबी तुम्हारे लिए यहाँ छोड़ दूँ। मेरे पास मेरी चाबी है। सॉरी अगेन। तुम जाओ मेरे कमरे का एसी ऑन करो, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं भी आती हूँ। बाय बोकी जी। बाय। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए ना। नहीं नहीं बस मैं चलती हूँ। दो मिनट के लिए आइए। मैं एक्चुअली शूटिंग से थक गई हूँ काफी। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। अरे ये तो यही सो गया। हाँ बोर हो गया था बेचारा। आप ये बताइए आपके हस्बैंड को मेरी शूटिंग कैसी लगी? शूटिंग? कैसा शूटिंग? आपको नहीं पता क्या? आपके वो आज मेरी शूटिंग देखने आए थे। उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं वो अभी तक घर आए नहीं ना। लेकिन आपको पूरा यकीन है कि मेरे ही वो आपका शूटिंग देखने के लिए आए थे? कमाल करती हैं आप, सेट पर इतने करीब बैठे थे मेरे। आप क्यों नहीं आए शूटिंग देखने? नहीं घर में काम था ना। आपको आना चाहिए था। यू नो आज पहली बार मैंने एक स्कूल गर्ल का रोल किया, स्कूल गर्ल का। एक छोटी सी स्कर्ट पहनी मैंने, एक छोटा सा वाइट ब्लाउज और दो छोटे छोटे रिबन। सब छोटा छोटा, तभी वो सेट पर आपके बिल्कुल करीब बैठे होंगे। क्या मतलब? नजर कमजोर है ना उनकी। यू नो मेरी परफॉर्मेंस देखकर वो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, तारीफ करते थके ही नहीं, कहने लगे वाह क्या फिगर है। लेकिन उसके बाद डिसअपीयर हो गए। मैंने बहुत जगह देखा लेकिन वो मिले ही नहीं। आई थॉट वो घर चले गए होंगे। घर नहीं आया हुआ अभी तक? नहीं ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने वो अगला सीन साड़ी पहनकर किया? लेकिन आपने कैसे पहचाना? मैं मेरे पति को 10 साल से पहचानती हूँ। लिसन अगले टाइम आप भी उनके साथ शूटिंग देखने आएगा जरूर। हाँ जरूर जरूर, और मैं भी सेट पर बिल्कुल आपके करीब बैठूंगी। लेकिन मेरी तरफ से अपने उनको एक मैसेज दीजिएगा प्लीज। उन्हें कहिएगा थैंक्स वेरी मच, उन्होंने मेरी आज इतनी तारीफ की, इतनी कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे। वाह क्या फिगर, ही इज टू क्यूट। ओवर टाइम। आओ केशु, अब मैं भी तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स दूंगी। ही इज सो क्यूट। आप ला 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 ला, क्या बात है क्या बात है। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। कोकी कोकी मेरी कोकी, तुम अब तक जाग रही हो कोकी? ओवरटाइम हो गया? कौन सा ओवरटाइम? हाँ ओवरटाइम हो गया। बहुत थके थके लग रहे हो। कितना थक गया हूँ, क्या करूँ कोकी, सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। अच्छा तुम बहुत करीब से देखते होंगे। हाँ सारी चीजें करीब से देखनी पड़ती है, एकदम बारीकी से देखनी पड़ती है क्या? अच्छा केशव अगर तुम्हें किसी का काम अच्छा लगे तो तुम ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। अरे डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स देने में सबसे आगे रहता हूँ कोकी। बहुत थक गया हूँ कोकी, बहुत थक गया हूँ, मेरा खाना लगाओ प्लीज। कॉम्प्लीमेंट्स दे देकर क्या वक्त हो तुम? आज ऑफिस से कितने बजे निकले? ऑफिस से कितने बजे निकला? अब ऑफिस से बस यूं समझो 1 घंटे पहले निकला। केशु तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? मेरा कोई जुड़वा भाई? नहीं आज तक तो पिताजी ने बताया नहीं। क्यों? आज एक मजेदार बात हो गई है। अच्छा बताओ बताओ क्या बात हुई? पता है आज क्या हुआ? हाँ बोलो। बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक आदमी, बिल्कुल एकदम तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक आदमी प्रेमा शालिनी की शूटिंग देखने गया था। अच्छा शूटिंग था आज प्रेमा शालिनी का? कमाल की बात है। खाना लगाओ। झूठे धोखेबाज, शर्म नहीं आती? ओवरटाइम के बहाने शूटिंग देखने जाते हो? किसने कहा मैं शूटिंग देखने गया था? खुद प्रेमा शालिनी ने।
आजकल किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने ये भी बताया कि तुमने उसे ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। क्या फिगर है। तो अरे कोई सीन अच्छा करता है, कोई काम अच्छा करता है तो कॉम्प्लीमेंट्स तो देने ही चाहिए। तो मुझे कभी जिंदगी में तुमने कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए। अरे तुम्हें भी दूंगा, ये लो अभी देता हूँ। मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। ये बात तुम मुझे हजार बार कह चुकी हो। मुझे तुम्हारी सूरत तक नहीं देखनी। सूरत ये लो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई। बिजली चली गई। ओके ओके, मर गई तुम्हारी कोकी। अरे मरने से पहले मोमबत्ती तो जलाती जाओ। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में इतनी जल्दी अंधेरा आ जाएगा। जीवन के अंधेरे की बात कर रही हो, पहले घर में अंधेरा है उसके बारे में सोचो। मैं ही क्यों सोचूं, तुम भी जाके कुछ करो। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो बुला रहा इलेक्ट्रिशियन को। केकू जी, केकू जी, हमारे घर में बिजली का फ्यूज उड़ गया है। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं? इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है प्रेमा जी, मैं हूँ, मैं फ्यूज रिपेयर करके दूंगा। यस क्यों? क्या हुआ? मोमबत्ती बंद हो गई। दैट्स गुड। आई मीन दैट्स बैड। आप फिकर मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। आप डरिए मत प्रेमा जी, मैं खड़ा हूँ आपके बाजू में। पकड़ूंगा नहीं तो आप गिर जाएंगी प्रेमा जी। आहिस्ता आहिस्ता चलिए, मैं संभाल लूंगा। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे प्रेमा जी, बिल्कुल धीरे। आप बड़ी नाजुक हैं। आपको कहा था मैंने, मेरी आंखों से देखिए। केशु, लाइट आ गई है, अब अपनी आंखों से खुद देख लो।